सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आतंकियों ने बांदीपुरा में बीएसएफ जवान की घर में घुसकर की हत्या, परिवार के चार लोग भी घायल। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने घटना को बताया बर्बर, आतंकियों की तलाश जारी। नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ सेना का बड़ा अभियान, कई ठिकाने नष्ट, कई उग्रवादी मारे गए। पुलिस सुधार के लिए कैबिनेट से व्यापक स्कीम मंजूर, आधुनिक बनाने पर 3 साल में खर्च होंगे 25,000 करोड़, 65 साल में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर। उपराष्ट्रपति का नई वैज्ञानिक खोजों पर जोर, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन जरूरी, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में संबोधन। बेंगलुरु में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज, 5 मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया की अजेय बढ़त, कोहली की लगातार 10वीं वनडे जीत पर नजर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की घर में घुसकर हत्या कर दी है। उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा के हजियन इलाके में आतंकियों ने बीएसएफ जवान रमीज पर्रे को गोली मार दी। शहीद जवान छुट्टियां मनाने बांदीपुरा अपने घर आए हुए थे। आतंकियों ने घर में घुसकर रमीज और उनके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रमीज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि हमले में शहीद जवान के पिता, 2 भाई और 1 महिला रिश्तेदार को भी गोलियां लगी हैं। 30 साल के रमीज बीएसएफ की 73वीं बटालियन से थे और 6 साल से सेवा दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक एसपी वैद ने घटना को बर्बर बताते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी साल 9 मई को शोपिया में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज की आतंकवादियों ने अगवा करके हत्या कर दी थी। भारतीय सेना के जवानों ने बुधवार सुबह एनएससीएन खापलांग उग्रवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया। नागालैंड में म्यांमार सीमा के पास बने उनके शिविरों को तबाह किया गया। इस कार्रवाई में कई उग्रवादी मारे गए। सेना के किसी जवान को इसमें क्षति नहीं पहुंची। बुधवार सुबह 4:45 बजे सीमा पर सामान्य गश्त के दौरान म्यांमार सीमा की आड़ लेकर खापलांग समूह के उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू की थी। सेना के पूर्वी कमान ने बयान में कहा कि कार्रवाई के दौरान जवानों ने सीमा पार नहीं की। सितंबर की शुरुआत में भारतीय सेना के जवानों ने ऐसी ही एक कार्रवाई में अरुणाचल प्रदेश में खापलांग समूह के कई उग्रवादियों को मार गिराया था। जून 2015 में भी सेना ने उग्रवादी समूहों के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई की थी। पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने व्यापक योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 साल में 25,060 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हथियारों की खरीद, हेलीकॉप्टरों का भाड़े का खर्चा वहन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में कई बड़े फैसले किए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत 3 साल में 25,060 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें केंद्र की भागीदारी करीब 80% होगी, यानी राज्यों को अब केंद्र से ज्यादा राशि मिला करेगी। नक्सल पीड़ित 35 जिलों में पुलिस अपग्रेडेशन पर 3,000 करोड़ खर्च होगा। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए 100 करोड़ के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है। यहां तक फंडिंग का प्रश्न है, जो राशि राज्यों को पहले उपलब्ध कराई जाती रही है उसकी तुलना में इस बार सरकार ने प्रतिवर्ष लगभग पहले की अपेक्षा 2.5 गुने का यह प्रोविजन किया है। 2.5 गुना अधिक धनराशि राज्यों को प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के इरादे से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकारी डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल करने का फैसला लिया गया है। आयुष में काम करने वाले डॉक्टर्स,
डिफेंस में जो सिविलियन डॉक्टर हैं अंडर द डीजी ऑफ आर्म फोर्सेस मेडिकल कोर, फिर डिफेंस प्रोडक्शन में हैं, शिपिंग में डॉक्टर काम करते हैं और डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में काम करते हैं, रेलवेज में जो काम करते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन IIT यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो इन सारे डॉक्टर्स की उम्र को कैबिनेट ने 65 साल करने का फैसला किया है। देश के सभी आर्मी कंटोनमेंट में मोबाइल टावर लगेगा, कैबिनेट से इसकी मंजूरी मिल गई है। कृति मिश्रा, राज्यसभा TV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि GST को लेकर व्यापारी सकारात्मक हैं, लेकिन वो दिक्कतों का समाधान चाहते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन की मदद से छोटे कारोबारियों की दिक्कतें दूर करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कल प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान और अर्थव्यवस्था में नकदी की जरूरत कम करने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी शिकायतों के निपटारे की समीक्षा भी की। साथ ही वित्तीय सेवाओं के सचिव से कहा कि रुपे कार्ड का उपयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं। ये कार्ड जनधन खाता धारकों को दिया गया है। उन्होंने रेलवे, सड़क, ऊर्जा, कोयला और गैस क्षेत्र में 9 परियोजनाओं की समीक्षा भी की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कथित छेड़छाड़ और पुलिस लाठीचार्ज की घटना के बाद संस्थान के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर ओमकार नाथ सिंह ने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि घटना एक साजिश का नतीजा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती जांच में असामाजिक तत्वों की भूमिका सामने आई है। उन्होंने मामले को संवेदनशील बताते हुए कहा कि प्रोक्टोरियल बोर्ड को अपना काम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों को विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करने की सलाह भी दी। पिछले हफ्ते BHU में एक छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। आरोपों के मुताबिक छात्रावास परिसर लौटते वक्त कुछ लोगों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कल गुजरात के मेहसाणा में सुजलाम सुफलाम के 5 चरणों के भूमि पूजन में शामिल हुए। उन्होंने योजना के एक चरण का उद्घाटन भी किया। इसके तहत मेहसाणा और गांधीनगर जिले में जमीन का जल स्तर बढ़ाए जाने का लक्ष्य है। उपराष्ट्रपति ने लोगों को पानी का महत्व समझने के लिए कहा और समाज से जुड़े मुद्दों में भागीदारी निभाने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कृषि और उद्योग को देश की उन्नति का मूल सूत्र बताया। उपराष्ट्रपति ने देश में एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासनिक स्तर को स्वरूप दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार और जनता को देश को स्वराज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कृषि और उद्योग को देश की उन्नति का मूल सूत्र बताया। हर खेती को पानी, हर एक हाथ को काम। वर्क टू एवरी हैंड, वाटर टू एवरी लैंड, वाटर टू एवरी लैंड। हर खेती को पानी पहुंचाना, हर हाथ को काम देना, ये बहुत जरूरी है। कितना आबादी है इस देश में, 130 करोड़ आबादी, इतना बाहुल्य है। इसलिए जब तक आप पूरा सब इलाके में पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर एक हाथ को काम देना संभव नहीं होगा। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्रों से रूबरू हुए और शोध से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने नए आविष्कारों को सफल बनाने के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार करने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने सरकार, औद्योगिक घरानों और शैक्षिक महकमों में बेहतर तालमेल की बात कही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए नए आविष्कारों को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए ये वक्त विज्ञान के क्षेत्र में फायदा उठाने का है, क्योंकि देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। उपराष्ट्रपति ने बुधवार को बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के छात्रों को संबोधित किया। Young and budding scientists must be encouraged to come out with out-of-box solutions or disruptive technologies that will help in finding solution to scientific problems and leapfrogging development. उपराष्ट्रपति ने सभी वैज्ञानिक संस्थानों में ऐसा परितंत्र तैयार करने के लिए कहा जहां बेहतरीन वैज्ञानिक सोच को सही आकार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि नए आविष्कारों से कई ऐसे दरवाजे खोले जा सकते हैं जिनका लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। उपराष्ट्रपति ने जानकारियों के विस्तार और साझेदारी पर भी जोर दिया। We need to expand the knowledge networks and enter into partnerships that will accelerate the pace and quality of the outcomes.
It is not possible for government to do this alone. We need creative partnership arrangements so that our efforts are useful for the larger humanity. The academic circles, industrial houses, and the government must look at the social challenges and seek answers through collaborations and partnerships. उपराष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले आविष्कारों का आखिरी मकसद जीवन को बेहतर बनाना है, साथ ही धरती को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाए रखना भी है। उपराष्ट्रपति ने सरकार और निजी भागीदारों से विज्ञान के क्षेत्र में और सुविधाएं बढ़ाए जाने की अपील की। ममता सिद्धार्थ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजीएम ने अलग गोरखालैंड के लिए आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया है। इसके बाद बाजार और दुकानें खुल गई हैं। दार्जिलिंग में 3.5 महीने बाद बुधवार को ये रौनक दिखी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीती रात बेमियादी बंद वापस लेने का ऐलान किया। ये आंदोलन अलग गोरखालैंड के लिए था। इसके बाद सुबह से बाजार खुले और लोग काम पर निकले। आज हम लोग पैसेंजर पे वेट कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी उड़ी भी साफ कर रहा है कि आज से हम लोग निकलेंगे, दार्जिलिंग जाएंगे बोल के सोचा है कि बहुत खुश लग रहा है दार्जिलिंग खुला है तो। वेरी गुड न्यूज, क्योंकि दार्जिलिंग एरिया तो लोग घूमना चाहते हैं ना, दार्जिलिंग से के अब उधर जाएंगे आराम से। जीजीएम प्रमुख बिमल गुरुंग ने ऑडियो संदेश के जरिए नागरिकों से परिवहन सेवाएं शुरू करने, बाजार, स्कूल और कॉलेज खोलने की अपील की। इस फैसले से टूर ऑपरेटर और होटल मालिक बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि जल्द ही दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में हालात सामान्य हो जाएंगे। हालांकि स्थानीय नागरिक चाहते हैं कि उनकी मांगें भी जल्द पूरी हों। एक तरफ तो सही बात है, लेकिन जो हम लोगों का दार्जिलिंग का जो स्ट्राइक चल रहा है, जो डिमांड चल रहा है, तो वो भी फुलफिल होना चाहिए, है ना? वो भी होगा तो और भी अच्छा होगा। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जीजीएम से आंदोलन वापस लेने की अपील की थी। उन्होंने गृह सचिव को लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए अधिकारी स्तर की बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। बंद होने की वजह से जो पूरा इलाका में जो सन्नाटा छा गया था हर तरफ में, वो जो उसका जो एक 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 सोल्यूशन निकला है, वो बंद जो विड्रॉ किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। उसके बाद ये सब चीज़ों को लेके डिस्कशंस जो है वो होते रहेंगे। गोरखालैंड के लिए आंदोलन 15 जून से शुरू हुआ था। कई बार आंदोलन हिंसक भी हुआ, इसमें 11 लोगों की जान गई और 7 लोग घायल हुए। इस दौरान इंटरनेट भी बंद रहा, जिस पर 25 सितंबर से पाबंदी हटाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विश्व बैंक ने दुनिया में शिक्षा की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत उन 12 देशों की सूची में दूसरे पायदान पर है जहां दूसरी कक्षा के छात्र एक छोटे से पाठ का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते। विश्व बैंक ने भारत समेत निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह अध्ययन किया है। उसका कहना है कि बिना ज्ञान के शिक्षा देना विकास के अवसर को बर्बाद करना है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ग्रामीण भारत में तीसरी कक्षा के 3/4 छात्र 2 अंकों के घटाने वाले सवाल हल नहीं कर सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना ज्ञान की शिक्षा गरीबी मिटाने और सबके लिए समान अवसर की राह में सबसे बड़ी बाधा है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा के मामले में 40वें पायदान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की प्रतिस्पर्धा सूचकांक के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले भारत एक स्थान नीचे आया है। इस सूची में 137 देशों के नाम हैं। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड और दूसरे पायदान पर अमेरिका है। चीन 27वें पायदान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में लंबी छलांग के बाद भारत इस साल स्थिर है। प्रतिस्पर्धा के अधिकतर पैमानों पर भारत का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा के दौरान गलत फोटो दिखाने से निपटने के लिए नई नीति बना सकता है। महासभा के अध्यक्ष मिरोस्लेव लाजगेक ने इस पर गौर करने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने शनिवार को कश्मीर मामले को उठाते हुए गाजा की एक लड़की की फोटो दिखाई थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान महासभा को गुमराह कर रहा है और गलत जानकारी फैला रहा है।
अफगानिस्तान में काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को रॉकेट से हमला किया गया। यह हमला अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस के पहुंचने के चंद घंटों बाद ही हुआ। हमलावरों ने हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसके आसपास के इलाके को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे। इसमें SPG-9 और मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। हमलावर एयरपोर्ट के पास ही नाटो बेस को भी निशाना बनाने की फिराक में थे। We know the cost of staying in Afghanistan, but the cost of leaving would be even higher. If NATO forces leave too soon, there is a risk that Afghanistan may return to a state of chaos and once again become a safe haven for international terrorism. पाकिस्तान के वित्त मंत्री शाख डार भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए हैं। भ्रष्टाचार निरोधी अदालत ने आरोप तय कर दिया है। अदालत ने पनामा पेपर्स मामले की सुनवाई करते हुए आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में डार पर भ्रष्टाचार के आरोप तय किए। हालांकि शाख डार ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें बेबुनियाद बताया है। भ्रष्टाचार निरोधी संस्था राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने 8 सितंबर को डार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ 2 अक्टूबर को आरोप तय होंगे। मंगलवार को कोर्ट ने निजी पेशी से छूट की अपील भी फिलहाल ठुकरा दी। उनके परिजनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उत्तर कोरिया अपने रवैये में सुधार नहीं ला रहा है। उन्होंने उत्तर कोरिया को सैन्य कार्रवाई के जरिए भारी तबाही की धमकी दी है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया को 8 बैंकों और 26 बैंक अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। इस बीच चीन ने संबंधित पक्षों से सैन्य कार्रवाई के विकल्प से बचने की अपील की है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने कई देशों में उत्तर कोरिया के बैंकों और अधिकारियों को काली सूची में डाल दिया है। उत्तर कोरिया के 8 बैंकों और 26 बैंक अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक हफ्ते के भीतर यह उत्तर कोरिया पर लगाया गया दूसरा प्रतिबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उत्तर कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और भारी तबाही की चेतावनी दी है। We are totally prepared for the second option, not a preferred option, but if we take that option, it will be devastating. I can tell you that devastating for North Korea. That's called the military option. If we have to take it, we will. इस बीच चीन ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई कोरियाई प्रायद्वीप के तनाव को कम करने का रास्ता नहीं है। चीन ने अमेरिका, उत्तर कोरिया समेत सभी संबंधित पक्षों से संयम रखने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि संबंधित पक्षों के आक्रामक रवैये से नुकसान हो सकता है। उत्तर कोरिया ने आरोप लगाया था कि अमेरिका ने उस पर युद्ध की घोषणा कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव के बावजूद उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम रोकने को तैयार नहीं है। इस महीने 2 बार उत्तर कोरिया के परीक्षण के दौरान मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी। इसके बाद से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव काफी बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पर्यटन उद्योग से हर तबके को जोड़ने पर जोर दिया है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कल उन्होंने दिल्ली में एक समारोह में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका पर्यटन उद्योग से जुड़ी है। पर्यटन उद्योग स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। राष्ट्रपति ने नागरिकों से अपील की कि वो अपने स्तर पर पर्यटकों को अच्छा अनुभव प्रदान करने का प्रयास करें। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी प्रदान किए। समावेशी पर्यटन विकास के जरिए समावेशी आर्थिक विकास को बल मिल सकता है। इसके लिए पर्यटन से समाज के हर तबके को जोड़ना चाहिए। हर भारतवासी को अपने अपने स्तर पर पर्यटकों को अच्छा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिससे पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। बात खेलों की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों के वनडे सीरीज का 4था मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले 3 मैचों में जीत दर्ज करके सीरीज में अजेय बढ़त बना चुकी है। ऐसे में भारत अपने जीत के सिलसिले को बरकरार इरादे से उतरेगा।
वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम भी सीरीज में कुछ मैच जीतकर अपना खोया विश्वास दोबारा हासिल करना चाहेगी। और अब बात खास शख्सियत की, शहीद आजम भगत सिंह की आज जयंती है। भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 1907 को पंजाब के लालपुर में हुआ था। महज 14 साल की उम्र में भगत सिंह पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में शामिल हो गए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को झकझोर कर रख दिया। 1920 के महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लाहौर से कानपुर आ गए। 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। उन्हें 1927 में सैंडर्स हत्या और 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का मुख्य अभियुक्त माना गया। जेल में उन्होंने भूख हड़ताल भी की। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। देश की वीर जवान हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। शहीद भगत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारी। आजादी के दीवाने भगत सिंह ने नौजवानों को सिखाया, देश के लिए जरूरी हो तो जान पर खेल जाओ, मगर बेवजह किसी का खून ना बहाओ। क्रांति की नई इबारत लिखने वाले भगत सिंह ने कहा, बम और बंदूक नहीं, विचार लाते हैं इनकलाब। इंसान मरते हैं, विचार रह जाते हैं। जो देश के लिए जीते हैं, मरकर अमर हो जाते हैं। मशहूर गायिका और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज जन्मदिन है। वो 88 साल की हो गई हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मधुर आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। सुरों की मलिका कहलाने वाली लता मंगेशकर को कई उपाधियों से नवाजा जा चुका है। अब तो है तुम से हर खुशी अपनी। वक्त बदला, कदरें बदली, लेकिन नहीं बदला तो वो है लता जी की आवाज का जादू, जो हमारे दिलों को आज भी लुभा रहा है। लता जी ने फिल्मों में बतौर बाल कलाकार शुरुआत की। 1949 में आई महल फिल्म के आएगा आने वाला गीत से उन्हें एक नई पहचान मिली। इस गीत की सफलता के बाद लता जी हिंदी प्लेबैक गायिका का पर्याय बन गई। पचास के दशक में लता जी के कई हिट गाने आए। वहीं 60 के दशक में लता जी ने दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। अस्सी के दशक में लता जी के मधुर गीतों का दौर जारी रहा। हालांकि लता मंगेशकर ने इन दिनों सिनेमा के लिए गाने गाना कम कर दिया है, लेकिन आज के दौर के नए संगीतकारों के साथ भी उनके कई बेहतरीन गीत आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। आतंकियों ने बांदीपुरा में बीएसएफ जवान के घर में घुसकर की हत्या, परिवार के 4 लोग भी घायल। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने घटना को बताया बर्बर, आतंकियों की तलाश जारी। नागालैंड में उग्रवादियों के खिलाफ सेना का बड़ा अभियान, अनेक ठिकाने नष्ट, कई उग्रवादी मारे गए। पुलिस सुधार के लिए कैबिनेट से व्यापक स्कीम मंजूर,
आधुनिक बनाने पर 3 साल में खर्च होंगे 25,000 करोड़, 65 साल में रिटायर होंगे सरकारी डॉक्टर। उपराष्ट्रपति का नई वैज्ञानिक खोजों पर जोर, युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन जरूरी, बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में संबोधन। और बेंगलुरु में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा वनडे आज, 5 मैचों की सीरीज पर टीम इंडिया की अजय बढ़त, कोहली की लगातार 10वीं वनडे जीत पर नजर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।